गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि इंडिविजुअल डेटा का हम मीन कैसे निकालें, मीडियन कैसे निकालें, ये दोनों भी हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो है मोड। वो क्या पढ़ना है हमें? मोड। मोड यानी क्या होता है? बहुलक। क्या होता है? बहुलक। बहुलक यानी क्या? कि जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीटेड हुई है, जो नंबर क्या हुआ है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, डायरेक्टली क्या होगा तो देखिए, टू फोर सिक्स सेवन टू थ्री सेवन टेन सेवन फोर, ये अपने पास क्या है? नंबर से नंबर दिए गए हुए, इनका हमें क्या निकालना है? मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए हमें कौन सा भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं यूज करना पड़ता। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि मोड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ विच वैल्यू, नंबर ऑफ रिपीटेड, कौन सी वैल्यू उसमें रिपीटेड हुई है। तो देखते हैं कौन सी हुई है। एक सेवन एक है अपने पास, कितने टाइम आई हुई? 3 टाइम्स आई हुई। फोर भी है लेकिन वो कितने टाइम्स आया हुआ है? 2 टाइम्स आया है। तो नंबर ऑफ टाइम ज्यादा क्या आया हुआ है अपने पास? सेवन आया है। तो अपना मोड क्या होगा? सेवन। और क्या होगा? सेवन। इसे इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपना मोड निकाल सकते हैं। मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, उसी प्रॉब्लम का आपको क्या करना है, तीनों भी आंसर निकालना है। यानी क्या कि मीन भी उसी का निकाला जा सकता है, मीडियन भी उसी का निकाला जा सकता है, और मोड भी क्या किया जा सकता है, उसी का निकाला जा सकता है। देखिए ट्राई कीजिए। प्रॉब्लम दे रहा हूं यहां पे मैं, 13 17 4 6 7 4 2, ये अपने सामने क्या दिया गया है? प्रॉब्लम दिया गया है। इसका क्या निकालना है हमें? मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। इसी एक प्रॉब्लम। अगर आपको मोड समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसका आंसर जो भी आएगा वो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।